नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भगवान शिव की आराधना करने से पूर्ण होती है मनोकामना। श्री शंकर देवस्थान आश्रम देवरी के श्री श्री महामंडलेश्वर स्वामी विशेषानंद गिरी जी ने कहा कि माँ शिवरात्रि में भगवान शिव सच्चे मन से आराधना की तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। स्वामी दिनेशानंद जी ने खास एमएनएस न्यूज को दिए एक मुलाकात में शिव महिमा का वो वर्णन करते हुए माँ शिवरात्रि को विशेष महत्व होने से पूरे विश्व में शिव की आराधना की जाती है। आइए देखते हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निषाद लांजेवार की खास खबर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लाखनदुर आए फिल्म स्टार असारणी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लाखनदुर के चुलबन नदी किनारे भगवान महादेव मंदिर में आयोजित यात्रा में फिल्म स्टार असारणी ने आकर दर्शन लिए। जिला परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि यात्रा में शामिल होने हास्य कलाकार असारणी ने आकर मशहूर फिल्म शोले के डायलॉग से उपस्थित हजारों लोगों का दिल जीत लिया। आयोजन भी किया गया था। असारणी के साथ साथ जीपा अध्यक्ष रमेश डोंगरे, जिला बैंक के अध्यक्ष सुनील फुंडे, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम सागर गंभीर और अन्य अतिथि मंच पर उपस्थित थे। फिल्म स्टार असारणी को लेकर लाखनदुर पुलिस निरीक्षक निशांत मिश्रा ने चौक पुलिस सुरक्षा रखी थी। आइए देखते हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवार की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। हम अभी लाखनदुर तहसील के ग्राम टिमरी के शंकर देवस्थान आश्रम में हम पहुंच चुके हैं और यहां से हम बात करेंगे परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी दिनेशानंद गिरी जी, इनसे जो कि इस आश्रम के मुख्य हैं। ये आश्रम खास करके वैनगंगा नदी तीर पर बसा हुआ है और स्वामी जी के माध्यम से पिछले 7-8 वर्षों से इस आश्रम में एक मान्यता प्राप्त जगह ये हो गई है और खास करके काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ भी यहाँ होती है। आज महाशिवरात्रि का शुभ पर्व है और इस शुभ पर्व पर हम आइए स्वामी जी के माध्यम से महाशिवरात्रि के खास पर्व पर क्या महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है इसके बारे में हम स्वामी जी के माध्यम से जानना चाहेंगे। स्वामी जी, आपका एमएनएस न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है और स्वामी जी बताइए कि आज महाशिवरात्रि का शुभ पर्व है, क्या विशेष महत्व है? सर्वप्रथम पहले तो मैं आपको महाशिवरात्रि के महान पर्व पर और मंगलमय पावन अवसर पर आपको मंगलमय कामना देता हूँ। और इस शुभ अवसर पर आप जब यहाँ पर आए हैं, ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है। वैसे महाशिवरात्रि का जो पर्व मनाया जाता है या हम लोग मनाते हैं, इसका विशेष महत्व यह है कि भगवान शिव और पार्वती का तो विवाह भी इस दिन हुआ था और साथ में इस दिन ध्यान ये किया जाए, अगर तो पौराणिक दृष्टि से देखते हैं तो भगवान शिव जो है जब तपश्चर्या में लगे थे हिमालय में तपश्चर्या में बैठे थे, तपश्चर्या छोड़ करके जब उनकी समाधि टूटने के बाद जब उनका वैराग्य अवस्था छूटा तो इस दिन जो है उनका भगवती माता पार्वती से विवाह भी हुआ था। इसलिए जो है ये दिन महाशिवरात्रि का विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। दूसरी दृष्टांत ऐसा भी है, बताया जाता है शास्त्रों में कि भगवान शिव का जो है आज जन्म भी हुआ था, जन्म भी है भगवान शिव का, जन्म के हिसाब से
से भी महाशिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। और आज के दिन संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में भगवान शिव की आराधना की जाती है। भगवान शिव की आराधना सब लोग नित्य नियम से, शास्त्रीय पद्धति से लोग करते हैं, और अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो सेवा करते हैं भगवान शिव को, उनको मनोवांछित फल भगवान शिव प्रदान करते हैं। अंत में मैं भगवान शिव की स्तुति मैं आपको करना चाहूँगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवाशं भजेहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशंकाशि गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं ईश्वरो मौलकल्लोलनीचारु गंगा लसदबालबालेन्द्रकंठे भुजंगा नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। और भगवान शिव ने भी कहा था, देखो ध्यान में सुनिए, जब भगवान शिव की समाधि टूटी उस समय सती से ये बोला था कि बिन सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव ने साक्षी भूत बन करके कहा कि बिना हरि भजन के जीव का कल्याण नहीं है, हरि भजन ही सार है। इसलिए हरि भजन के साथ साथ भगवान शिव की आराधना भी सत्य है। शिव आराधन से मन की शांति होती है, शिव आराधन से सारे कष्टों का निवारण होता है, और शिव का आराधन जो करते हैं जीव, उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती, हर प्रकार से संकट दूर होते हैं, और संकट निवृत्त होने के बाद मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना की जाती है, और भगवान शिव की आराधना करने के बाद उनका विधिवत पूजन पाठ करते हुए, उनका आराधन करते हुए अपने भगवान शिव का नाम जप करते हैं, इसी में जीव का कल्याण हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय। हरि ओम, शांति शांति सुशांतिर भवतु। स्वामी जी ने अपने अमृततुल्य वाणी से शिव जी की महिमा का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है, और निश्चित रूप से यदि शिव जी की पूजा अर्चा हम भक्तिभाव से करते हैं तो हमारी भी मनोकामना पूरी होती है। इनके ये अमृत तुल्यवाणी से हमको समझ में आ गया, निश्चित रूप से अगर भगवान शिव की हम पूर्ण मन से, दिल से और तन से अगर पूजा कर लेते हैं, मन भक्ति भाव से पूजा कर लेते हैं, तो भगवान भोले शंकर अपनी मनोकामना पूरी करने में सहायता करते, हमें आशीर्वाद देते हैं। मैं निषाद लांजवार, MNS न्यूज़ भंडारा। MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।